तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 3 दिन में 45,000 सब्सक्राइबर्स कैसे ले सकते हैं। और मैं आपको कंप्लीट डिटेल में बताने वाला हूँ कि भाई अगर आप 3 दिन में, अगर आप भी चाहते हो कि भाई आप भी बहुत टाइम से मेहनत कर रहे हो और आपका चैनल ग्रो नहीं हो रहा है या आपके सब्सक्राइबर्स नहीं आ रहे हैं, एक जगह रुके हुए हैं और आपने बहुत सारी वीडियोज़ डाल दी हैं, तो भाई आप भी 3 दिन के अंदर, विद प्रूफ मैं आपको दिखाने वाला हूं, 3 दिन के अंदर आप 45,000 सब्सक्राइबर्स कैसे ले सकते हैं। तो चलता हूं मैं अपने लैपटॉप की डिस्प्ले पर और भाई स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं कि भाई 3 दिन में 45,000 सब्सक्राइबर्स क्या पॉसिबल हैं या नहीं। आज मैं आपको कंप्लीट बताने वाला हूं कि भाई कैसे 3 दिन में 45,000 सब्सक्राइबर्स मिल सकते हैं। तो चलते हैं अपनी लैपटॉप की डिस्प्ले पर। तो दोस्तों, आ चुका हूं मैं अपने लैपटॉप की डिस्प्ले पर और मैं आपको अब दिखा देता हूं कि भाई किस तरह से 45,000 सब्सक्राइबर्स 3 दिन में आए हैं। तो अभी मैं आपको एक चैनल पर लेके चलता हूँ, वो चैनल का नाम है फैक्ट चेक। ये मैंने यहाँ पर, आप देख सकते हैं, इसका नाम है फैक्ट चेक और यहाँ पर इन्होंने, देख सकते हो आप, 45,000.1 के सब्सक्राइबर्स, वो भी सिर्फ 3 दिन में। भाई मैंने 3 दिन पहले इनका चैनल देखा था, इनके चैनल पे 1,000 से भी कम सब्सक्राइबर्स थे। भाई मैं आपसे, बस ये गलती हो गई मुझसे कि मैं उसका स्क्रीनशॉट नहीं ले पाया, ये गलती हो गई मुझसे कि मैं उसका स्क्रीनशॉट नहीं ले पाया। 3 दिन के अंदर उन्होंने 45,000 सब्सक्राइबर्स कर चुके। भाई वो कैसे कर चुके वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप। थोड़ी सी मैं इसके रिटेल के बारे में बात कर लेता हूँ। अगर मैं इसके अबाउट में जाऊँ, अबाउट में आप देख सकते हैं, इसने 2017 में इसको चैनल को शुरुआत करी थी, ठीक है, और अभी तक के जो टोटल व्यूज़ है ना भाई, वो 4324, मतलब 4324 व्यूज ओनली। क्या ये पॉसिबल है भाई? 45,000 सब्सक्राइबर्स में क्या 4324 व्यूज पॉसिबल हैं? भाई साहब इम्पॉसिबल है ये, ठीक है। अभी मैं आपको, अब मैं इनके आपको मोस्ट पॉपुलर वीडियो दिखा देता हूँ वो कितनी है। तो मैं फिल्टर पर क्लिक करता हूँ, मोस्ट पॉपुलर वीडियो आप देख सकते हैं 389, लास्ट एक मंथ के अंदर ये 389 मोस्ट पॉपुलर वीडियो। अगर इसके मोस्ट पॉपुलर वीडियो 1 मिलियन होते ना, तो मैं मान लेता कि हाँ भाई 45,000 सब्सक्राइबर्स आ सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि कोई कोई वीडियो हिट कर जाती है और 45 का 1 लाख सब्सक्राइबर्स भी उससे आ जाते हैं। ऐसे बहुत सारे चैनल्स हैं जिसकी, जिसके 80,000 1 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, एक एक वीडियो से हिट करते, लेकिन जब वो वीडियो डालते हैं नेक्स्ट, उस पर व्यूज़ नहीं आते जिस हिसाब से सब्सक्राइबर्स होते हैं। तो भाई इनके 45,000 सब्सक्राइबर्स हैं, मैंने आपको इनके व्यूज़ दिखा दिए, ठीक है, और वीडियोस दिखा दी मोस्ट पॉपुलर, कि भाई कितनी मोस्ट पॉपुलर वीडियो है, ठीक है। अब मैं वो बता देता हूँ आपको, इन्होंने कैसे अपनी वीडियो पे 45,000 सब्सक्राइबर्स किए हैं, वो भी सिर्फ 3 दिन के अंदर। एक चीज़ और दिखा देता हूँ, मैं अभी वो दिखा देता हूँ कि भाई इन्होंने अपने इस चैनल पर वीडियो कब डालनी शुरू करी थी। भाई अगर जो मैं उसकी लास्ट वीडियो जाऊँ ना, लास्ट वीडियो इन्होंने 3 महीने पहले डाली थी, मतलब 3 महीने में अगर जो कोई चैनल शुरू करता है, 45,000 सब्सक्राइबर्स नहीं आ सकते। तो भाई इन्होंने जो यूज़ किया ना भाई, SMM पैनल के थ्रू इन्होंने अपने चैनल्स पर सब्सक्राइबर्स गेन किए हैं, जो कि आप भी कर सकते हो अगर आपका इतना बजट है। लेकिन मैं तो यही कहूँगा भाई, आपको नहीं करने हैं। अगर जो आपने, चलो 45,000 कर लिए, 10,000 कर लिए, 20,000 कर लिए या 1 लाख कर लिए, लेकिन वीडियो का हाल देख लो, व्यूज़ का हाल देख लो। एक हफ्ते पहले डाली थी, 45,000 व्यूज़ हैं, सिर्फ 14 व्यूज़ पड़े हैं भाई साहब इसके ऊपर। ये भी एक हफ्ते पहले सिर्फ 21 व्यूज़, 75 व्यूज़। भाई इतना बुरा हाल हो जाता है अगर आप SMM पैनल के चक्कर में पड़ोगे, तो भाई आप भी इस तरह से व्यूज़, मतलब आप अपने चैनल को दिखा दोगे कि हाँ भाई मेरे पास 1 लाख सब्सक्राइबर हैं या मेरे पास 45,000 सब्सक्राइबर्स हैं, लेकिन व्यूज़ की अगर हम बात करें, तो भाई व्यूज़ आपके इतने ही आने वाले हैं। इन्होंने SMM पैनल से अपने ये फैक्ट चेक पर अपने सब्सक्राइबर्स बढ़ाए हैं। तो भाई मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई आप इस तरह के सब्सक्राइबर्स के चक्कर में ना पड़ो, ठीक है, और जेन्युइनली वर्क करो अपने चैनल पर। और भाई अपने जो जेन्युइन सब्सक्राइबर्स हैं, जो आपकी वीडियोस को लाइक करते हैं, जितना आप अपनी वीडियोस के अंदर पोटेंशियल्स दिखाते हो, आप इंफॉर्मेशंस आप शेयर करते हो यूट्यूब पर अपनी, ठीक है, और टेक्निक्स बताते हो यूट्यूब पर कैसे काम किया जाता है, या कोई भी आप गैजेट्स के बारे में अनबॉक्सिंग कर रहे हैं, या कोई भी प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग कर रहे हैं आप, या आपका किसी भी निश का चैनल है, एंटरटेनमेंट का है, या आप रोस्ट वीडियो बना रहे हो या रील्स पर वर्क कर रहे हो, तो भाई जेन्युइनली आप अपना काम करो। अगर आप इस तरह से भाई अपने चैनल्स पर इंक्रीज करोगे फेक सब्सक्राइबर्स, या मतलब चलो SMM पैनल वैसे बेकार नहीं होता, ये भी मतलब अप्रूवल होता है इसको, क्योंकि इनको भी पेमेंट देना पड़ता है YouTube को, क्योंकि SMM पैनल ऐसे नहीं बनता, SMM पैनल के लिए भी बड़ी सारी
प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। यूट्यूब को पैसा जाता है एस एम एम पैनल से, तभी यूट्यूब उसको अप्रूवल करता है, और उसमें सर्विसेज वगैरह होती हैं कि भाई आप उसमें बाय कर सकते हो, सब्सक्राइबर्स भी, व्यूज़ भी, और अपने वॉच आवर्स भी उसमें बाय कर सकते हो। उसके अंदर मतलब लगभग ये है कि 5-6 हज़ार रुपये आप लगाओगे तो शायद अपना आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, लेकिन भाई उस मोनेटाइज से क्या फ़ायदा जब आपके व्यूज़ ही नहीं आ रहे। तो अगर आप पहले से ही अपनी ऑडियंस को बना करके लेके चलोगे, आपकी ऑडियंस देखेगी कि हाँ भाई काफ़ी टाइम से मेहनत कर रहा है, तो एक फैत बन जाता है। और अगर एकदम मतलब आप अभी आपने चैनल की शुरुआत करी है, 5 वीडियो डाली और आपने चैनल को मोनेटाइज भी करा लिया किसी तरह एस एम एम पैनल के थ्रू, और फिर जैसे जैसे आपके पास ऑडियंस, तो फिर थोड़ा टाइम लगता है फिर ऑडियंस को आने में। अगर आप अपना जो आपका जो विश्वास पहले से ही बना के रखोगे, जैसे मेरे चैनल पे मैं 6 महीने से वर्क कर रहा हूँ, आप कंटिन्यू देख रहे होंगे, वीडियोस जा ही रही हैं, हार्डली एक मेरे को बस बीच में 8 से 10 दिन मेरे को लगे थे जब शादी थी तो मैं वीडियोस नहीं डाल पाया था उस वक्त, लेकिन मैं कंटिन्यू वर्क कर रहा हूँ। मैं भी इन सब चीज़ों के चक्कर में नहीं पड़ रहा, ठीक है, और मैं भी चाहता हूँ कि भाई जेनुइनली मेरे पास सब्सक्राइबर्स आएँ, जेनुइनली व्यूज़ आएँ, मैं किसी तरह का कोई भी पैनल्स या किसी तरह की कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन ना यूज़ करूँ। मैं भी आपसे यही रिक्वेस्ट करूँ कि भाई आप भी इन सब चक्करों में ना पड़ो। और भाई अगर जो आप चाहते हो कि भाई आपके भी 3 दिन में 45,000 सब्सक्राइबर्स ले सकते हो, तो भाई आप भी एस एम एम पैनल का यूज़ कर सकते हो। अब मैं नाम तो नहीं बताऊंगा भाई कौन से पैनल पे आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर जो आप चाह रहे हो, लेकिन भाई चाहने से पहले एक बार ये वीडियो ज़रूर देख लेना, आपके सामने है भाई। तो दोस्तों आपने देखा 3 दिन में इन्होंने 45,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन इन सब्सक्राइबर्स का कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि अगर आप इस तरह के पैनल से अपना सब्सक्राइबर्स को इंक्रीज़ करोगे तो भाई इंक्रीज़ तो हो जाएंगे बट व्यूज़ नहीं आएंगे, इससे आप ही का नुकसान है। सब्सक्राइबर्स तो आपने गेन कर लिए, लेकिन अगर व्यूज़ ही नहीं आएंगे तो फिर क्या फ़ायदा उन सब्सक्राइबर्स का। तो इसलिए मैं आपको आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप बिल्कुल भी एसएमएम पैनल के चक्कर में ना पड़ो, क्योंकि एसएमएम पैनल आपके लिए नहीं है। आप हार्डवर्क करो और करते रहो भाई, एक दिन आप जरूर ग्रो करोगे, कोई ना कोई वीडियो आपके हिट जरूर करेगी, कोई ना कोई वीडियो आपके ट्रेंडिंग में जरूर जाएगी। आपको बस पेशेंस रखना है और बिल्कुल कंसिस्टेंसी से आपको यूट्यूब पर वर्क करना है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।